गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द अल्फा पॉजिटिव जनरेशन। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ठीक है, आज की जो वीडियो है बेटा, ये समर है इस चैप्टर की। इसके डिटेल जितनी भी वीडियो है वो मैंने चैनल पर डाल दी, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है फ्लावर का, जो चार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, तो आता है कैलिक्स। कैलिक्स का दूसरा नाम सेपल कहते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, आफ्टर डैट आता है कोरोला, जो भी कलर पोर्शन होता है फ्लावर का उसे। ठीक है, उसका दूसरा नाम पेटल हो गया। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, गाइनोशियम कहते हैं। नेक्स्ट आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे स्टेमन कहते हैं और बायोलॉजिकली टर्म है इसका, तो है इसका एंड्रोशियम। ठीक है, ये आ गया है। अब हम सबसे पहले मेल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो मेल पार्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एंथर और ये फिलामेंट। तो एंथर को हमने इस तरीके से कट कर दिया। ठीक है, जब इस तरीके से कट कर देंगे ना, ये बाइलोब होता है, कट कर देंगे तो इस तरीके से चार बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है, और हर एक में ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं पार्ट, तो हम देखते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने एंडोशियम पढ़ा। ठीक है, मेल पार्ट हो गया एंडोशियम, उसके बाद स्टैमन, स्टैमन इसी का हो गया। आफ्टर दैट एंथर, एंथर को हमने कट करा। जैसे ही कट करा जो अंदर मिला है ना, वो है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये जो है 1 2 3 4 चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, जो ये है। ठीक है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होगी, इसके अंदर भी इस तरीके से होगी। उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू में बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, छोटे छोटे मदर सेल होते हैं बहुत सारे। अब मदर सेल होते हैं तो ये डिवाइड करेगी। मदर सेल जो होती है MMC, इसे और क्या बोल सकते हैं, MMC बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को। मदर सेल में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। एक मदर सेल जो होती है वो चार स्पोर्स को रिलीज करती है। ठीक है, इसलिए मदर सेल ये माइक्रोस्पोर टेट्रेड भी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, माइक्रोस्पोर टेट्रेड में से हम सिर्फ एक वाले की बात करते हैं। ठीक है, ये जो एक जो है वो चार में डिवाइड हो गई थी ना, उसमें से हम एक की बात करते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर में से निकलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव और ये जनरेटिव। जनरेटिव वाले में निकलते हैं टू मेल गैमेट। ठीक है, अब टू मेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं किससे, फीमेल पार्ट से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा फीमेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट में तीन होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, जहाँ पे मेल गैमेट आते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट होता है स्टाइल, जहाँ से जाते हैं, और ये होता है पूरा ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमने मेल में करा था वैसे फीमेल में है। सबसे पहले गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम में दो होते हैं, या तो पिस्टल बोलो या कार्पल बोलो। ठीक है, कोई सा भी नाम ले सकते हैं, कई सारे होते हैं। आफ्टर दैट ओवरी आ गया, ये हो गया ओवरी। ओवरी में होता है मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, जिसे ओव्यूल भी बोल देते हैं। उसके बाद ओव्यूल में होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में जाकर के होगा मेगास्पोर मदर सेल, जिसे PMM कहते हैं, जैसे कि इसमें था ना MMC, सॉरी। ठीक है, MMC जैसे इसमें था ना, उसी तरीके से इसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है मेगास्पोर टेट्रेड। अब मेगास्पोर टेट्रेड तो चार सेल हो गए, चार सेल में से सिर्फ एक ही सेल होता है जो फंक्शनल होता है, बाकी तीन बेकार होते हैं। अब वो जो एक सेल फंक्शनल है ना, उस फंक्शनल में जाके के मेगास्पोर बनते हैं, और मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सेक होता है ओव्यूल। ठीक है, अब ओवरी के अंदर हो गया ओव्यूल। अब इस ओव्यूल में आठ सेल होते हैं। ठीक है, किस तरीके से, ऊपर दो होंगे जिसे कहते हैं सिनर्जिड। ठीक है, फिर सेंटर में होते हैं, इसे कहते हैं सिनर्जिड। आफ्टर दैट ये सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो टू पोलर न्यूक्लियाई। आफ्टर दैट क्या होता है, न्यूक्लियाई हो गया, यहाँ पे तीन होते हैं जिसे एंटीपोड्स कहते हैं। ठीक है, तो एंटीपोड्स बचा क्या, एक जो होता है एग सेल। ठीक है, या ओवम, तो ये एक एग सेल होता है, एग सेल। अब क्या होता है, जैसे ही टू मेल गैमेट होते हैं, ये यहाँ पे आते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा से पतली लेयर निकलती है, जिससे स्टाइल के थ्रू ये यहाँ पे एंटर कर देते हैं ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं क्योंकि ये दो है ना, तो पहला वाला मेल गैमेट जो होता है वो इसके साथ फ्यूज करता है। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट जो है, जैसे ही इसके साथ फ्यूज करता है तो जायगोट बन जाता है, जिसका दूसरा नाम सिंगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, या तो सिंगैमी बोल दो या फिर जायगोट बोल दो, एक ही बात है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो सेकंड वाला आता है मेल गैमेट, वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। इसके साथ जैसे ही फ्यूज करेगा तब क्या हो गए, ये मेल गैमेट, और यहाँ पे अगर मैं हटाती हूँ मेल गैमेट, और प्लस में टू पोलर न्यूक्लियाई, और प्लस में मेल गैमेट, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो बनाता है PEN। ठीक है, PEN जिसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं, PEN, या फिर इसका प्रोडक्ट जो हो गया उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब आपकी जो बुक है इसमें क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है इसमें, कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे हुआ था, दूसरा फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे हुआ था, दोनों को मिला के बनता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब क्या होता है इसका, ये भी तो देखेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से आता है, जो भी फ्रूट जो होता है, लाइक हम
मैंगो ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंगो में क्या होता है, अंदर गुठली होती है ना, तो ये जो गुठली होती है, ये जो जायगोट है ना, इसका आगे जाकर के ये सीड बन जाता है, और जो यहाँ पर पैन बना है ना, PEN ट्रिपल फ्यूजन का, ये आगे जाके खाने वाला पोर्शन बन जाता है, ठीक है। तो अंदर वाला बनता है गुठली सीड, और बाहर वाला पोर्शन जो होता है वो खाने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये जो बनता है सीड, ये कितने तरीके का होता है, तो ये दो तरीके का होता है सीड, ठीक है। एक होता है डाइकोट, दूसरा होता है मोनोकोट, ठीक है। डाइकोट कैसा होता है, लाइक आप लोगों ने देखा है राजमा हो गया, छोले, मूंगफली, चने, तो उन सब में ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है कट, ठीक है। बीच में वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो डाइकोट। और जैसे मटर देखी है ना, जो छोले कुलचे वाले मटर होते हैं या फिर नॉर्मल मटर, तो वो तो सिंपल एक ही होती है, उसको तुम तोड़ोगे तो वो टूटेगी नहीं दो में, ठीक है। जब वो टूटेंगे नहीं तो वो हो गया मोनोकोट, ठीक है। छोले कुलचे वाले जो मटर होते हैं वो अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और डाइकोट जो दो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में यही है सारा समर अप। इसके अलावा आप लोगों को अगर डिटेल में जानना है तो इसकी वीडियो हमने ग्रुप में ये डाली हुई है, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है बेटा। थैंक यू।